प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला लिया है, उसके बाद से ही विपक्षियों ने इस पर हाय तौबा मचा रखी है। कभी राहुल गांधी तो कभी अरविंद केजरीवाल, कोई न कोई राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस फैसले का विरोध करने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल तो विरोध की राजनीति में इतने आगे निकल गए हैं कि अब सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी उड़ने लगा है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर पंजाब से आप सांसद भगवंत मान की एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में भगवंत मान भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। केजरीवाल ने ये फोटो क्या शेयर की, जनता ने इसी पर केजरीवाल से मजे ले लिए। दरअसल भगवंत मान की तस्वीर में उनके सामने एक तख्ती लगी है। उस तस्वीर पर भगवंत मान ने लिखा है कि मोदी मुझसे डरता है, इसलिए मुझे संसद से बाहर करता है। बदले में लोगों ने इस तख्ती पर अपनी तरफ से कोटेशंस लिख दिए हैं। एक ने लिखा, मोदी जी पंजाब में चुनाव टिकट का लिया पैसा बदल दो हमारा। किसी ने लिखा, गली गली में शोर है, केजरीवाल बच्चा चोर है। वहीं एक ने लिखा, मोदी मेरे से डरता है, इसलिए मुझे संसद में पीने नहीं देता है। वहीं एक यूजर ने लिखा, होश में रहने से डरता हूँ, इसलिए दो दो बोतल खाली करता हूँ। वहीं आजकल ट्रेन में चल रहा सोनम गुप्ता भी सब में आ गया। किसी ने उस तख्ती पर लिख दिया, सोनम गुप्ता बेवफा है। वहीं अगली तस्वीर में लिखा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। उससे अगली तस्वीर पर लिखा गया है, मोदी से मैं डरता हूँ, इसलिए संसद दारू पी के आता हूँ। वहीं एक यूजर ने तो अरविंद केजरीवाल को ही भ्रष्ट बताने की कोशिश कर डाली। इस यूजर ने उस तख्ती पर लिखा, मेरे अरविंद की 501,000 के नोटों की बोरी बदलवा दो। यानी इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जनता अपने आप उसको सबक सिखा देती है।